हाँ, हम क्या कहना चाह रहे बाबू, यहाँ समझने को से राम और श्याम मिलकर एक झोपड़ी को 4 दिन में बना दिया, राम अकेले उसको 6 दिन में बनाता, तो श्याम उसको अकेले कितने दिन में बनाएगा? तो हम देखो, राम एंड श्याम का 1 डेज वर्क कितना हो गया, 1/4 हो गया। राम का दिया हुआ 6 दिन में बना देता, तो राम 1 दिन में कितना बनाएगा, 1/6 बनाएगा, 1 डेज वर्क निकालो, 1/6 हो गया। अब यहाँ से समझो, अब श्याम का हमको 1 डेज वर्क निकालना, श्याम 1 दिन में कितना वर्क काम करेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सोचो सोचो, यहाँ थोड़ा सोचिए, शांति से सुनिए, शांति से सुनिए, ठीक है। तो राम एंड श्याम मान लो, तो मान लेते मान लेते यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं। मान लो राम और श्याम बाबू 1 दिन में मान लो 10 चेयर बना देता है, राम और श्याम मिलकर 1 दिन में 10 चेयर बना देते हैं, और श्याम अकेले 1 दिन में 6 चेयर बनाता है। राम अकेले 1 दिन में बाबू 6 चेयर बनाते हैं, तो श्याम अकेले 1 दिन में कितना चेयर बनाएगा? 10-6 करेंगे तभी ना 4 चेयर बनाएगा। बात शांति से समझिए बाबू, राम और श्याम मिलकर मान लो ना, ये डाटा थोड़ा आपको लेने में समस्या हो रहा है ना, 1/4 करोगे तो दिक्कत हो रहा है। हम एग्जाम्पल लिए कि राम और श्याम 1 दिन में 10 चेयर बना दिया, राम अकेले 1 दिन में मान लो 6 चेयर बना दिया, तो श्याम कितना बनाएगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब ना निकलेगा बाबू, ठीक है ना। 1 दिन में कितना बनाएगा, 10-4, ये 10-6 4 चेयर बना है ना। तो इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को अब यूज करेंगे, है ना, इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो राम एंड श्याम का 1 डेज वर्क पता है, श्याम राम का पता है, तो श्याम का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा बताइए बाबू? श्याम का बाबू 1 डेज वर्क 1/4 माइनस 1/6। हाँ, इसी तरह समझना, श्याम का बाबू 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, राम एंड श्याम का 1 डेज वर्क क्या लिखे बाबू, एकदम लिखते चाहते बता देते बाबू, राम एंड श्याम का बाबू 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क माइनस किसका, राम का 1 डेज वर्क घटा दोगे, माइनस बाबू राम का 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क, ठीक है। राम एंड श्याम का 1 डेज वर्क कितना है सर, 1/4 है सर, राम का अकेला कितना है, 1/6 है, तो ये दोनों को घटा के निकलोगे तो श्याम का 1 डेज वर्क निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सोल्व करो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, ये 3 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो श्याम का 1 डेज वर्क कितना आ गया, श्याम का बाबू 1 डेज वर्क कितना आ गया, 1/12 आ गया, ठीक है। तो श्याम का 1 डेज वर्क आ गया ना बाबू, तो श्याम नंबर ऑफ डेज कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इसको रिवर्ट कर दो, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर बाबू, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, समझ में आया शिवम बाबू, शिवम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, ए शिव टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क बाबू किसके द्वारा, टू कंप्लीट द वर्क बाय श्याम, क्या होगा, 1/1 डे वर्क, 1/ श्याम का 1 डे वर्क, तो 1/ बाबू 1 डेज वर्क, यही तो करना है टाइम एंड वर्क में, 1/1 डे वर्क, 1/12 तो कितना हो जाएगा, 12 डेज हो जाएगा। अमित बाबू समझ में आया, अमित किसको किसको नहीं आता हमको, चलिए अच्छी बात है, हैप्पी का तो आ जाता है। प्रकाश सिंह आपको बाबू आ रहा बाबू समझ में, की दिक्कत नहीं, दिक्कत कहीं हो रहा बाबू, नहीं सर, हाँ बाबू आपको, अभिनव प्रकाश, अभिनव प्रकाश को तो नहीं होना चाहिए दिक्कत, अभिनव प्रकाश बाबू नहीं साउंड आपका आ रहा है, अभिनव प्रकाश आपका लगता है ब्लूटूथ खराब है, आपका कोई साउंड नहीं आता, नहीं आता अभिनव प्रकाश, आप अनम्यूट किए बोल रहे हो, नहीं आ रहा, थोड़ा सा आया, चलिए बाबू। अमित बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, आप तो सोए हुए हो क्या अमित, हाँ बाबू तो लेटे हो तो फिर उससे क्या फर्क, हमको वीडियो ऑन चाहिए ना, तब ना पता चलेगा, चलिए बाबू जल्दी से लिखिए इसको क्वेश्चन, अब एक अपने से बनाइए, एक से अपने से बनाए बाबू, तो जितना टाइप है बाबू सब टाइप बता देंगे, है ना,
थोड़ा जल्दी लिखिए, अभी बहुत सारे टाइप करवाना है ना, फिर इसके बाद पाइप सिस्टम वाला आएगा, फिर एक आदमी वाला आएगा, उसके बाद किसी भी टाइप से क्वेश्चन बनाइए, बन जाना चाहिए। हो गया, इरेज करें बाबू। हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो आप लोग भी आलसी हो, आप लोग भी नहीं लिखोगे, मजबूरी है लिखना, क्या करें, बच्चे मन के सच्चे। तो मीटर अटता ही नहीं है सर। अरे ये इंक में 2 साल पुराना इंक दे दिया ना तो सूख जाता है। इसको बोले थे कि इतना पुराना मत दीजिए, चेंज करवा देंगे जाके। पुराना वाला दे दिया ना। नेक्स्ट बाबू, इसी में बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बाबू ए एंड बी, इफ बाबू ए एंड बी, इफ बाबू ए एंड बी मेक ए टैंक, मेक ए टैंक बाबू इन 10 डेज। इफ ए एंड बी बाबू मेक ए टैंक इन 10 डेज, ठीक है, ठीक है बाबू, मेक ए टैंक 10 डेज, 10 डेज बाबू। पाइप एंड सिस्टम में ना आता है वो वाला? नहीं है बाबू, पानी टंकी वाला नहीं, सब टंकी बना रहा है ना, 10 डेज टुगेदर, दोनों एक साथ मिलकर बाबू। इफ ए एलोन, इफ बाबू ए एलोन मेक द, सर मुझे यही समझ में नहीं आता है। क्या बाबू? सर ऐसा क्वेश्चन, अरे मेरे बाबू टंकी है, पानी का टंकी है, मान लो ना दो आदमी मिलकर बना रहे, 10 दिन में दोनों मिलकर पानी का टंकी बना दिया, उसके बाद क्या कहो, ए अकेले उसी उस टंकी को बाबू मेक द टैंक इन 20 डेज। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाए ना, क्वेश्चन सर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ए लोन मेक द सेम, मेक द टैंक बाबू इन 20 डेज, तो बाबू इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज बाबू, इन हाउ मेनी डेज बाबू बी मेक द सेम टैंक, बी मेक द बाबू सेम टैंक, बी मेक द सेम टैंक, क्या करे बाबू? ए बी है कोई टंकी को मिलके, दोनों मिलके, जैसे जैसे सौम्या होगी, सौम्या का भाई होगा, दोनों मिलके एक टंकी बना दी बाबू 10 दिन में। अब आप कह रहे बाबू कि आपके भाई है जो अकेले उस टंकी को 20 दिन में बनाता है, 20 डेज, यस सर 20 दिन में, मान लो सौम्या आपके भाई अकेले उस टंकी को 20 दिन में बना रहा है, तो आप अकेले जब बनाइएगा बाबू तो उस टंकी को कितने दिन में बनाइएगा, ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। यस सर, सर आ गया 20। हाँ तो ऐसी समझ समझ के बनाना, रियल लाइफ किसे तो क्वेश्चन है बाबू, रियल लाइफ का क्वेश्चन है ना, दूसरे काम से मान लो बेबी 20 में। सभी का आ गया, रोहित बाबू आया आपका? हाँ सर आ गया सबका, तो छोड़ देते हैं, सभी का आ गया बाबू, अमित बाबू सबका आ गया, शिवम प्रकाश सिंह आया बाबू कि बनाना पड़ेगा, प्रकाश सिंह कुछ बोलिए तो नहीं सर, हो गया, हो जाएगा ना, चलिए तब हो गया तो फिर क्यों समय बर्बाद करें, अगला क्वेश्चन लिखवाइए। इसका कितना होगा बाबू? 20 डेज होगा, 20 डेज होगा, अरे कुछ नहीं करना, देखो डायरेक्ट करो, ए का ए बी का 1 डेज 1/10 हो गया, ए का अकेले कितना 1/20 हो गया, तो बी का कितना हो जाएगा 1/10 1/20, इसको सोल्व करोगे 20 एलसीएम हो जाएगा 2-1 1/20, तो बी का बाबू एक दिन का निकल गया, बी का एक दिन का निकल गया, तो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा 1/1 डे, तो 1/1/20। अब आप लोग तेज हो गए जी, तेज हो गए आप, तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इसी बना दोगे कि नहीं सिखाएंगे? यस सर, मैं बिना पेन के ही बना रही। वाह बाबू, बहुत खुशी के बात है, तो
तो आपको यूनिटरी से कैसे डर लग रहा था बाबा, हमको समझ में नहीं आता। नेक्स्ट टाइप, डबल नेक्स्ट टाइप करते हैं सर। दिक्कत यही था कि इसमें डिवाइड करते हैं किसमें माइनस। अच्छा, बेसिक से पढ़ाया जाना था। और हाँ, एक ये वाला था ना वर्क टाइम वाला एम डब्ल्यू करके जो बनता है। अच्छा एम डब्ल्यू एम, अच्छा उस टाइप का M1D1D2M2। अच्छा अच्छा, चलिए उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मिला क्या बाबू? यस सर। तो उस टाइप का भी हमको बताना पड़ेगा, हम सोच रहे थे छोड़ने के लिए बाबू। चलिए देखते हैं। नो सर, बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेवल बाबू, नेक्स्ट लेवल। इफ ए एंड बी, इफ बाबू ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन बाबू 12 days, इफ बाबू ए एंड बी कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, कॉमा बी एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क बाबू, कंप्लीट द सेम वर्क बाबू इन 15 days, ए बी बी सी एंड बाबू सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क, कंप्लीट द बाबू सेम वर्क बाबू इन कितना डेज है दिया हुआ बाबू? 20 days है। कितना? 12 एलसीएम, फिर लेने में 15 एलसीएम लेने में परेशानी नहीं हो जाएगा बाबू? 20 days, ठीक है बाबू। इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज दे बिल फिनिश द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बाबू दे विल फिनिश द वर्क, दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर। यूज कीजिए माइंड बाबू, देखिए थोड़ा सा यूज कीजिए, थोड़ा सा यूज कीजिए, फिर हम बताते हैं क्या करा। ए बी बाबू किसी काम को 12 दिन में, बी सी बाबू किसी काम को 15 दिन में, और सी ए बाबू किसी काम को 20 दिन में, तो एक साथ मिलकर वर्क अगर करेंगे बाबू तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? देखिए बाबू 15/6 days, 1/12 + 1/15 + 1/20 × 2 कर देंगे और फिर जितना आएगा उसको लड़ देंगे। हाँ कुछ कुछ वैसा ही करेंगे। देखिए बाबू यूज कीजिए माइंड थोड़ा, क्योंकि ए दो बार काम करता है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार। बनाइए प्रकाश से, रिश्का निरिश्का को बुखार लग गया बाबू। सौर बाबू समझ में आ रहा है? सौर हाँ सर आ रहा है। हाँ बाबू, तो आप जितना टाइप है सब बता दे, तो उसके बाद कोई भी बुक से बनाते रहे, क्वेश्चन बन जाएगा। बनाइए सभी मिलकर, फिर बताते हैं बाबू। तो इसका आंसर कितना आ रहा है मेरा? सही है? हाँ सही होगा बाबू, सॉल्व कीजिएगा तब ना। 1/12, 1/50 और 1/20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। हाँ 60 आएगा। इनटू टू कर देंगे। सर हम ऊपर में ही कार्ड 1/20 लिखे इनटू टू, फिर दोनों को काट दिए। चलिए देखिए आप लोग गलती भी आया 4। आज गलती भी कर रहे हैं। 10 days आएगा क्या? देखते हैं बाबू, या तो नहीं है कह रहे, गलती भी कर रहे हैं बाबू, तो खुशी मनाइए कि अरे हमको एक रास्ता पता चला ना कि उस रास्ते से मेरा गलत हो रहा है। आपका अभिनय प्रकाश, अभिनय प्रकाश बाबू और रोहित शैतान वीडियो का है बंद के लिए, पबजी चल गया वो खेलने के लिए।
बना रोहित कि नहीं बना? रोहित नहीं बना इसे। अभिनव प्रकाश बाबू आया? अभिनव उसका साउंड नहीं आता, आपका ब्लूटूथ तो खराब बाबू, उसका माइक है खराब इसलिए आपका साउंड नहीं आता। अभिनव प्रकाश का ब्लूटूथ खराब है लगता, उसका साउंड नहीं आ पाता। टर्न आएगा। चलिए अमित बाबू बन गया? अमित अमित बाबू नो सर। तो कब बनाइएगा बाबू आपका? सर पहले तो सर बाबू वीडियो ऑन करो, आराम से एकदम गायब हो एकदम। पबजी खेल रहा है कि फ्री फायर खेल रहा है? बना सर बाबू? नहीं सर बना, रुकिए ना हो गया। चलिए सर 10 आया, 10 आया ठीक है। देखिए बाबू कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एकदम आसान है, आसान है, आसान है एकदम, कुछ नहीं है, चटनी है, चटनी है। क्या करे बाबू, सॉस है। ए एंड बी कंप्लीट है वर्क इन 12 डेज। ए और बी मतलब क्या, दोनों मिलके बाबू, तो क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी का, ए और बी मतलब क्या, प्लस मतलब क्या बाबू, दोनों। तो ए प्लस बी का बाबू 1 डेज वर्क निकालिए, ए प्लस बी का बाबू 1 डेज वर्क निकालिए। ए प्लस बी का 1 डेज वर्क कितना होगा, वर्क को कितना 12 डेज में कंप्लीट करना बाबू, तो कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, है ना? ठीक है बाबू। उसी प्रकार बाबू बी प्लस सी का 1 डे वर्क निकालिए, क्या दिया हो, बी एंड सी दिया बाबू, तो बी एंड सी भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी प्लस सी का बाबू 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा, बी प्लस सी कितना 50 है बाबू, तो 15 हो जाएगा। फिर बाबू क्या, सी एंड ए का, तो सी प्लस ए का 1 डेज वर्क 1/1 कितना हो जाएगा बाबू, 20 हो जाएगा। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 1/12 वर्क किया, बी प्लस सी इतना, तो ये अब मिल जाएगा बाबू, ये सभी का सभी आदमी अगर मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना वर्क करेंगे, मतलब क्या सर, 12/60। ए प्लस बी यहाँ बाबू मान लो ना, ए प्लस बी मान लो यहाँ राम और श्याम है, दो आदमी है ना बाबू, तो राम एंड श्याम हो गया, फिर श्याम एंड मोहन हो गया, फिर मोहन एंड राम हो गया, दो दो आदमी है ना, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, इसको बाबू कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो जाएगा, और ये बाबू कितना हो जाएगा, सी प्लस ए हो जाएगा। अरे बाबू ये दो 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 कितना, 6 आदमी हो गया ना लगभग, तो लेकिन सब अलग अलग है ना, अलग अलग है ना बाबू, एगो मान लो मोहन है, एगो सोहन है, एगो राम है ना, 3 वो हो गया। तो इसका क्या निकालना है बाबू, 1 डेज वर्क निकालना है, मतलब क्या सर, ए बी बी सी सी ए का 1 डेज वर्क निकाल लेंगे, 1 डेज वर्क निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/50 + 1/20। तो इसको एलसीएम लोगे बाबू तो कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 थ्रू कितना, 12/60 इतना वर्क हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना बाबू, यहाँ पे समझने की बात है, लिखने का टाइम देंगे, पहले आप लोग समझिए ना, क्या बाबू ए प्लस बी अब बी प्लस सी सी प्लस ए का एक दिन में बाबू उतना वर्क किया, 12/60 वर्क किया है ना। तो यहाँ देखो ना, ए है ना, ये मान लो राम है बाबू, तो यहाँ भी क्या राम है ना, सेम सेम है ना बाबू, तो इसको ऐड कर देंगे, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यहाँ बी है यहाँ बी है, तो ये कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, सेम वेरिएबल है ना बाबू, सेम वेरिएबल है ना, यहाँ सी है यहाँ सी है, तो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो 2A प्लस 2B प्लस 2C का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा बाबू, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1 डेज वर्क 12/60, तो 12/60 को 1/5 नहीं कर सकते हो, इसको काट दो, कितना हो गया, 1/5 हो गया है ना। तो यहाँ से 2 तो कॉमन भी ले सकते हैं बाबू, मैथमेटिकल चीज है ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डेज वर्क हो गया, समझ में आ रहा है सौम्या, सौम्या 1/2। अरे सही कितना हो जाएगा, 1/10 अब 2 को इधर भेजो, 2 को नीचे भेजेंगे, 2 कॉमन लेना हो तो 2 को इधर भेजेंगे, तो 1/10 हो जाएगा। इतना राइट डाउन कीजिए आप लोग, फिर आगे हम कर रहे हैं।
आनंद बाबू समझ में आता है? आनंद 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 इज टेकिंग आनंद समझ आ रहा है। कह रहा था वीडियो का बंद किया बाबू, कुछ स्पेशल चीज क्या चल रहे हैं बाबू? तो मैं तुम्हारा भी वीडियो बंद है नहीं तो इधर दिखा रहे हैं। अरे सौम्या के साथ इशू है बाबू, उसका ऑन रहता है लेकिन इधर हम बंद दिखाता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। तो हमारे बाबू झूठ नहीं, वो ऑन रखती है, देखना उसका वीडियो का जो स्टॉप वीडियो होगा ना बाबू, वहाँ पे ये रेड मार्कर नहीं होंगे, मतलब उसका वीडियो ऑन है लेकिन शो नहीं होता है, कभी कभार कभी होता है कभी नहीं होता है। लिख ले बाबू, तो यहाँ से प्लस तो रेड दिया हुआ है पार्टिसिपेंट पर जाके देखने पे, वीडियो पे रेड कराओ बाबू। यस सर। बहुत देखती हो, तब बंद होगा सही में तब। सर मैं क्यों बंद करूंगी सर, मुझे क्लास से बाहर थोड़ी ना निकलना है, मुझे तो क्लास में रहना है ना। मेरे में तो सर उससे मैं फोटो भी मांगी थी तो वो भेजी थी तो उसका पूरा ब्लर आया था, पता नहीं उसके फोन में क्या। सर मेरा कैमरा भी एक बार खराब हो गया था तब से शायद हो रहा है। हाँ बाबू वही बात हूँ। अब बाबू यहाँ से क्या निकाले, ए प्लस बी प्लस सी का वन डिज वर्क निकाले, इरेज करें बाबू, क्वेश्चन को इरेज नहीं करेंगे, इसी में अब एक दूसरा टाइप दे देंगे डाटा चेंज करके, यहाँ इसको इरेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बाबू क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे बाबू, ए प्लस बी और प्लस सी का वन डिज वर्क कितना हो जाएगा, ये दो को इधर जाएगा ना, वो दो डिवाइड में आएगा ना, तो 1/10 हो जाएगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 1/10 हो गया, तो एक दिन में इतना वर्क किया, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर बाबू, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर Days required to complete the work बाबू, वन बटा बाबू ए प्लस सी का क्या वन डेज वर्क, वन बाय बाबू वन डेज वर्क, वन बाय बाबू वन डेज वर्क किसका ऑफ बाबू ए प्लस सी का, वन बाय वन डे कितना आ गया, 1/10 आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डेज आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है आपको, टाइम वर्क अभी और फॉर्मेट अभी बच रहा है अभी अभी और इसमें टाइप बच रहा है ना, सॉरी समझ में आ रहा बाबू, सर बाबू आपसे तो टेंशन होता। हाँ बाबू ये सब हाँ तो ये सब क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करके देखिएगा घर में बनता कि नहीं, काफी क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन बंद कीजिएगा ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन देते हैं बाबू, हाँ बोलिए सर, टीचमेंट पे कैसे हम वो वाला लिंक सेंड करें बाबू, वहाँ भी ये चैट सेक्शन है ना सर, मगर मैं सेंड करती हूँ ना तो मतलब जैसे ग्रीन दिखाता है ना वहाँ पे दिखाता है कि ग्रीन मतलब इस बटन को क्लिक करें तो आप ज्वाइन हो जाइएगा, तो नहीं होता है वैसा। अच्छा देखते हैं बाबू, एक होमवर्क में करके लाइएगा, आपका जो बुक है बाबू विद्यासागर का उसका सारे क्वेश्चन को बना लेना, वो तो होमवर्क मिला हुआ है। डी आई बाई बाबू ए एंड बी बाबू कम्प्लीट है वर्क बाबू, डाटा चेंज कर देते ना, कम्प्लीट है वर्क बाबू, कंप्लीट वर्क बाबू, 1/2 डेज, बी एंड सी बाबू कंप्लीट द सेम वर्क बाबू, 5/2 डेज, सी एंड ए कंप्लीट द सेम वर्क बाबू, एलसीएम लेने में आपको आसानी हो जाए ना, 7/2 डेज, ये हाउ मेनी डेज बाबू दे विल फिनिश द सेम वर्क, ये यहीं तक क्वेश्चन है। चलिए आप लोग लिखिए, जो लिख रहे हैं बाबू लिखिए है।